नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी छवि को विपक्ष ने मुस्लिम विरोधी बनाने की खूब कोशिश की, लेकिन सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देकर पीएम मोदी ने अल्पसंख्यकों को आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूती देकर 17 करोड़ मुस्लिमों का दिल जीत लिया। क्या इसके पीछे उनके पूर्व जन्म की दास्तां है? क्या पिछले जन्म में पीएम मोदी कट्टर मुस्लिम थे? सर सैयद अहमद खान से पीएम मोदी का क्या कनेक्शन है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अल्पसंख्यकों के लिए 2013-14 में 3511 करोड़ रुपए के बजट को बढ़ाकर 2019-20 में 4700 करोड़ किया। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई। हज यात्रा पर लगने वाले जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया। देश भर के मदरसों का आधुनिकीकरण किया। तो ये वो तथ्य हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि पीएम मोदी ने देश के हर शख्स को विकास की राह से जोड़ने की कोशिश की। और आज के दौर में मुस्लिमों के एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। ऐसे में अगर कोई ये कहे कि पिछले जन्म में पीएम मोदी कट्टर मुस्लिम थे तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे? जी हाँ, पिछले जन्म में पीएम मोदी के कट्टर मुस्लिम होने का दावा किया है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मौजूद इंस्टीट्यूट फॉर द इंटीग्रेशन फॉर साइंस इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च ने। इस संस्था ने पूरी दुनिया में अब तक करीब 20,000 स्त्री पुरुषों बच्चों और यहाँ तक कि पशुओं के पुनर्जन्म पर शोध अध्ययन की और अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित की और पिछले 30 साल से पूर्वाभास और पुनर्जन्म समेत अनेक विषयों पर शोध भी कर रही है और ये मानती है कि दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास भी रखते हैं। इसी संस्था ने भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले अब्दुल कलाम से लेकर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के पूर्व जन्म के किरदार का भी खुलासा किया। बिग बी को उनके पिछले जन्म में जहाँ शेक्सपियर नाटकों का अभिनेता बताया तो वहीं कलाम साहब को टीपू सुल्तान बताया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार किस आधार पर? संस्था की माने तो बिग बी पिछले जन्म में बेहद कामयाब अभिनेता ही थे, तब वो शेक्सपियर नाटकों के अभिनेता एडविन बूथ थे और इसके पीछे का आधार एक दूसरे से मिलते नैंग नक्श है। तो वहीं भारत के राष्ट्रपति रहे मिसाइल मैन कहे जाने वाले अब्दुल कलाम को उनके पूर्व जन्म में सेनानी टीपू सुल्तान बताया। इसके पीछे संस्था ने तथ्य दिया कि युद्ध में पहली बार टीपू ने ही रॉकेट का इस्तेमाल किया था और जिस तरह अब्दुल कलाम की अपनी एक खास हेयर स्टाइल रही है, ठीक उसी तरह टीपू सुल्तान खास स्टाइल में पगड़ी पहनना पसंद करते थे। अब बिग बी और अब्दुल कलाम के बाद जब इस संस्था ने पीएम मोदी को उनके पिछले जन्म में कट्टर मुस्लिम बताया तो हर कोई हैरान रह गया। संस्था की माने तो पीएम मोदी की कट काठी, उनके नैन नक्श और उनका व्यक्तित्व मुसलमानों में एकता की अलख जगाने वाले सर सैयद अहमद खान से मिलती है। जिस प्रकार पीएम मोदी भारतीयों का दिल जीतकर देश की गद्दी पर आसीन हुए, ठीक उसी तरह मुस्लिम समुदाय को राह दिखाते हुए सैयद अहमद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब संस्था के इस दावे पर जब सवाल उठे तो शोधकर्ताओं ने कहा कि आत्माएं, धर्म, जाति और राष्ट्र बदलती रहती है। तो पीएम मोदी के पिछले जन्म की कहानी बताने के पीछे हमारा मकसद अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल नहीं है। हमने वो बताया जो अमेरिका की इस संस्था ने दावा किया। हिंदू धर्म में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म को एक चक्र माना गया है और ग्रंथों के अनुसार प्राणी का केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा अमर है। आत्मा एक शरीर के नष्ट हो जाने पर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और इसे ही पुनर्जन्म कहा जाता है और विज्ञान की नज़र में ये आज तक शोध का विषय बना हुआ है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मध्य प्रदेश के 1,75,000 आवासों में उसका अपना पक्का घर, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा शुभारंभ हुई प्रधानमंत्री आवास योजना सुदूर गांवों में बसे बेघर संवाद के लिए सादर अनुरोध करता हूं।
सर्वप्रथम धार जिले के सरदारपुर जनपद के ग्राम पंचायत अमझेरा के आदिवासी नेरो। बताइए। अभी तो हमारे गांव ऊपर बेहतर करती है। मध्य प्रदेश के 9 अंचलों में राज्य सरकार द्वारा योजना के दौरान 1,75,000 आवास बने। एजुकेशन कॉन्क्लेव में ऐसे विश्व नागरिक की बात की थी जो भारतीय मूल्यों से जुड़ा हो। निश्चित रूप से यह शिक्षा नीति ऐसा विश्व नागरिक को तैयार करेगी जो भारतीय मूल्यों से जुड़ा हो। मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि आप हमको अपना आशीर्वाद दें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज दिन भर हम परामर्श करेंगे। कस्तूरी रंगन जी, मंजुल भार्गव जी, सिरदर्द, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नए भारत की नई उम्मीदों की नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक प्रकार से कहे तो ये काम की असली शुरुआत हुई है। अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्रालय ने भी प्री स्कूल में तो बच्चा पहली बार माता पिता की छत्र छाया के बाहर माता पिता की देखभाल और घर के आराम भरे माहौल से बाहर निकलने की शुरुआत करता है, उसे दूर होता है। ये वो पहला पड़ाव होता है जब बच्चे अपने सेंसेस, अपनी स्किल्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की शुरुआत करते हैं। इसके लिए ऐसे स्कूल, ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जो बच्चों को फन लर्निंग, प्लेफुल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग का एनवायरमेंट दें। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि कोरोना के इस टाइम में ये सब कैसे होगा। ये बात सोच से ज्यादा अप्रोच की है। और वैसे भी कोरोना से बने हालात हमेशा ऐसे ही तो नहीं रहने वाले हैं। बच्चे जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ें, उनमें ज्यादा सीखने की भावना का विकास हो, बच्चों का मन, उनका मस्तिष्क वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से सोचना शुरू करे, उनमें मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, ये बहुत आवश्यक है।